चलो अब इसको मिटा दूं। रुको 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 रुको, एक चीज और बताना बाकी। मेंडल का जो सेकंड लॉ है ना, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल, ये जो एलील पेयर है, इसको बहुत लोग प्योर टोल कहते हैं और इसको इम्प्योर टोल कहते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल टी है और इसमें स्मॉल टी है। कैपिटल टी वाला में प्योर डोमिनेंट है और इसमें प्योर डोमिनेंट नहीं है। लेकिन यार जब गेमेट फॉर्म होगा तो ये तो अलग हो ही जाएगा, चाहे वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो या फिर कैपिटल टी हो, सब तो अलग होने ही वाला है। अलग होने के बाद वो प्योर हो जाता है। प्योर कैसे होता है? टी कैपिटल टी है तो वो गेमेट में सिर्फ कैपिटल टी ही होगा, और स्मॉल टी है तो वो गेमेट में सिर्फ स्मॉल टी वाला होगा। इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट भी बोलते हैं। समझ में आया ना? हाँ, देखो सीबीएसई वाला ना यार, पता नहीं एकदम घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। इसको भी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैं बता दिया। अब पढ़ेंगे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन, और इस चीज को तुम ध्यान से पढ़ना। अगर तुम इसे ध्यान से पढ़ लेते हो तो तुम ये जान जाओगी कि बगल वाले अंकल का इंजीनियर होने वाला है या फिर डॉक्टर होने वाली है। इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि किस केस में लड़का होता है और किस केस में लड़की होती है, ये जानने वाले हैं। देखो हमारे सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 1 से 22 पेयर तक मेल में और फीमेल में सेम होता है। मतलब जैसा मेल में होता है वैसा ही फीमेल में भी होता है, और इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन जो लास्ट पेयर है 23rd पेयर, वो भैया अलग होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि यही क्रोमोसोम से इंसान का लिंग का पता चलता है। मेल में सेक्स क्रोमोसोम का एलील पेयर XY होता है और फीमेल में XX होता है। समझ रहे हो ना? तो चलो तब इसका क्रॉस करवाते हैं। देखो ह्यूमन मेल में जब गेमेट रिलीज होता है ना, तो मिलियंस ऑफ गेमेट होता है। उसमें से 50% गेमेट में एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% गेमेट में वाई क्रोमोसोम होता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में एक ही टाइप का गेमेट रिलीज होता है, एक्स क्रोमोसोम वाला, और फीमेल गेमेट में एक ही गेमेट रिलीज होता है। मेल जैसा मिलियंस ऑफ गेमेट नहीं। रुको थोड़ा सा ऊपर बताता हूं। ह्यूमन मेल में या तो एक्स टाइप वाला स्पर्मा के फर्टिलाइज करेगा या तो वाई टाइप वाला स्पर्मा के फर्टिलाइज करेगा, लेकिन फीमेल में तो सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम होता है, एक्स टाइप वाला। कोई भी आएगा एक्स ही कहलाएगा। तो ये ह्यूमन फीमेल का ये दोनों को मिटा के मैं एक ही बना देता हूँ, कहे कि कोई भी आएगा एक्स वाला ही ना होगा यार। तो देखो ह्यूमन मेल में अगर एक्स टाइप का आके ह्यूमन फीमेल का को फर्टिलाइज करता है तो क्रोमोसोम बन जाएगा XX, लेकिन अगर वाई टाइप वाला आके फर्टिलाइज करता है तो क्रोमोसोम बन जाएगा XY। XX बनेगा तो गर्ल चाइल्ड होगा और XY बनेगा तो बॉयज चाइल्ड होगा। और दुनिया में कितने ऐसे बदतमीज लोग हैं जो कि डॉक्टर से यही चीज़ पता करवा लेते हैं और फिर अगर फीमेल चाइल्ड होने वाला है तो उसको यूटेरस में ही मरवा देते हैं। यही क्रोमोसोम सेट को डॉक्टर देखता है कि XX है कि XY है, बस देख लेता है और बता देता है कि कैसा बच्चा होने वाला है। इसी कारण से भ्रूण हत्या होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर बच्चा का सेल को कैसे निकालता है और उसको देख के पता करता है। भैया ये तो तुम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े होगे कि यूटेरस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो वही फ्लूइड को निकालता है और ऐसा पता करता है। तो समझ गए ना कि किस केस में मेल होता है और किस केस में फीमेल होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इसका टेस्ट क्रॉस काहे नहीं करवाया, तुम तो ऐसा ही डायग्राम बना के बता दिया। भैया इतना मैं तुम्हें टेस्ट क्रॉस करने सिखाया अभी तक नहीं सीखे? चलो मैं बता दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। लेकिन यार अभी हम लोग जो पढ़े इससे तो साफ साफ यही पता चलता है कि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगा ये तो टोटली मेल पर डिपेंड करता है, ना कि फीमेल पर। और कुछ हरामी लोग ऐसे हैं, वे लोग सोचते हैं कि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगा ये टोटल फीमेल पर डिपेंड करता है। उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि टोटली ये उन पर डिपेंड करता है कि उनका एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज किया है या फिर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज किया है। उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बच्चा लड़का होता या फिर लड़की इसके बारे में महिला को दोष ना दें। अरे यार कोई भी हो बच्चा बच्चा होता है, तुम जिससे पैदा हुए वो भी एक लड़की ही थी, तुम अभी दोष दे रहे हो ना। देखना 20-25 साल बाद जब देश में लड़की लोग का जनसंख्या बढ़ेगा तो सब लड़की लोग तुम पर दोष देंगे, इसलिए अभी से अपना मुंह बंद कर लो, तब फिर फ्यूचर में तुम सुरक्षित होगे। इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। वैसा गुण या फिर वैसा ट्रेट जो अपने माता पिता से मिलता है उसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। जैसे किसी का माता पिता अंधे हैं तो उनके बच्चे भी अंधे होंगे, ब्लाइंडनेस। और एक्वायर्ड ट्रेट वैसे ट्रेट होते हैं जो हम लोग जिंदगी में सीखते हैं, जैसे नॉलेज। एक्वायर्ड ट्रेट आर द ट्रेट विच वी एक्वायर इन आवर लाइफ टाइम।
एक क्वेश्चन आता है कि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की, ये टोटल मेल पर डिपेंड करता है, कैसे इसको बताएं। तो इसके बारे में तुम्हें यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, बीच में जो खाली जगह है ना, वहाँ पर ऊपर का टेस्ट क्रॉस को लिख देना।